विष्णु पादाब्ज संभूते गंगे त्रिपथ गामिनी धर्म द्रव्ये के विख्याते पापम में हर जाह्नवी। भगवती गंगा का अवतरण गंगा दशहरा के दिन हुआ था और ऐसा बोलते हैं कि विष्णु पादाब्ज संभूते विष्णु के चरणों से निकली और भगवान शंकर के जटाओं में रही और पृथ्वी पे आई। और त्रिपथ गामिनी गंगा जो है त्रिपथ गामिनी है, धर्म द्रव्ये ते विख्याते पापम में हर जाह्नवी, अर्थात भगवती गंगा का अवतरण तीनों लोकों में अलग अलग हुआ और पृथ्वी आकाश और सब जगह अलग अलग विराजित हुई, भगवान शंकर के उसमें विराजित हुई। और भगवती गंगा का ऐसा कहते हैं कि धर्म द्रव्ये ते विख्याते, धर्म द्रव्य और यश की प्राप्ति कराती है भगवती गंगा। ऐसा मानते हैं कि भगवती गंगा का जो उत्पत्ति हुई थी वो दिव्य योगों से हुई थी, 10 योगों से हुई थी। ऐसा कहा गया है कि पृथ्वी पर अवतरण जब हुआ था तो ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि बुधवार का दिन हस्ता नक्षत्र और व्यतिपात योग गरकरण आनंद योग और कन्या राशि का चंद्रमा वृषभ राशि का सूर्य ये 10 महायोग के ऊपर भगवती गंगा का अवतरण हुआ था। ऐसा मानते हैं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा नदी में स्नान करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवती गंगा जो कि 10 प्रकार के पापों को नष्ट करती है, 10 प्रकार की पूजन सामग्री हम चाहे तो 10 उपचार पूजा विधि के माध्यम से गंगा का पूजन हम कर सकते हैं। और ऐसा कहा गया है कि गंगा पूजन के साथ में दान करने का भी महत्व है, चाहे तो हम 10 प्रकार के अन्न 10 प्रकार के फल वस्त्र तेल तिल आदि भी हम दान कर सकते हैं। ऐसा माना गया है कि दान मेकम कलो युगे, दान करने से कलयुग में श्रेष्ठता प्राप्त होती है या पाप ताप संताप का नष्ट होता है या पाप संताप से आदमी दूर हो जाता है। तो जिस प्रकार 10 प्रकार के हमने पूजन सामग्री की बात की, उसी दिन गंगा स्नान करे तो 10 डुबकी लगाए और भगवती गंगा का पूजन करे, गंगा तट पर जाए गंगा स्नान करे। और गंगा स्नान करने से ऐसा माना गया कि 10 प्रकार के पापों को नष्ट करती है, जिस प्रकार के आदि देवी का आदि भौतिक और आध्यात्मिक 3 प्रकार के जो ताप होते हैं, इसी प्रकार 4 प्रकार के वाणी के ताप होते हैं और वाणी के अलावा अन्य जो 3 प्रकार के पाप होते हैं, इस तरह से 10 प्रकार के पापों को नाश करने वाली भगवती गंगा का अवतरण दिवस गंगा दशहरा कहा गया है। और यदि गंगा दशहरा के दिन भगवती गंगा के तट पर ना जा सके तो जल ले ले और जल में गंगा, हमने जो गंगा पूजन के समय या गंगा जली हमारे घर में होगी या गंगा तट पे हम कहीं गए होंगे वहां से वो जल भर करके लेके आए होंगे, उस जल को हम उस जल के अंदर मिलाएं और साथ में ये कह सकते हैं कि गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिं कुरु, भगवती गंगा इसमें प्रकट हो जाए उत्पन्न हो जाए। और भगवती गंगा जली गंगा का पूजन या जो जल का पात्र गंगा जल का उसका भी हम पूजन करें 10 उपचार पूजा विधि के माध्यम से तो निश्चित तौर पर वो फलदायी होगी। एक आम मनुष्य भी घर पे रहकर भी गंगा दशहरे के दिन गंगा का पूजन कर सकता है, गंगा दशहरा का जो फल है वह अति फलदायी है। और गंगा पूजन करने से गंगा नाम लेने से ही ताप संताप नष्ट हो जाते हैं, जिस प्रकार गंगा गौ और गीता का हम नाम लेने से उच्चारण से मात्र पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार से गंगा जो है इस पृथ्वी पर इसलिए अवतरित हुई थी कि भगीरथ ने तपस्या करके सगर के 60,000 पुत्रों को पाप से मुक्त किया था और जिस प्रकार उनको नष्ट हो गए थे उनको वापस जीवित किया था, जीवन दान दिया था, ये भगीरथ का भगीरथ प्रयास था जिसके माध्यम से गंगा इस पृथ्वी पर आई और पृथ्वी पर आकर के समाज कल्याण के लिए संसार के कल्याण के लिए पृथ्वी पर उनका अवतरण हुआ था। ऐसा कहते हैं कि गंगा का पूजन कैसे करें, गंगा दशहरे के दिन हम पूजन कैसे करें, तो ऐसा माना है कि गंगा जली हो गंगा तट हो या गंगा का जल भी हो उसका पूजन हम 5 उपचार विधि से या 10 उपचार विधि से हम पूजन कर सकते हैं। गंध धूप दीप नैवेद्य दक्षिणा प्रदक्षिणा करके वस्त्र आदि उनको अर्पण करके और पुष्प और सुगंधित इत्र आदि उनका पूजन करें। अगर गंगा तट पे है तो चुनरी ओढ़ा सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं। और ऐसा माना है कि गंगा का पूजन करने के बाद आप अन्नदान जल तिल और तेल आदि गरीबों को भी हम दान कर सकते हैं और अन्न दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, फल दान कर सकते हैं, क्योंकि गंगा
स्पर्श से गंगा नाम से पाप तो नष्ट होता है, लेकिन गंगा पूजन के बाद यदि हम किसी जरूरतमंद को, गरीब को दान करेंगे, उसकी सहायता करेंगे, तो निश्चित तौर पर गंगा और पूर्ण फलदायिनी होगी। हम गंगा दशहरे के दिन गंगा का पूजन करें, स्मरण करें, गंगा स्नान करें, यही गंगा दशहरे का अपने आप में अप्रतिम महत्व है। गंगा दशहरे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।